In today's class, we will proceed with our next exercise, that is exercise 2.2. Till now we have completed exercise 2.2. देखो जो exercise 2.2 का concept था वो क्या था? Relation. Relation से ही आपका function का concept बन रहा है. अगर आपको relation clear नहीं है तो आपको function समझने में दिक्कत होगी. ठीक है, तो relation से ही function का concept आपका बनता है. कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आप ये देखो, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ इसी तरह का रिलेशन दिया, लेकिन यहाँ पे मैं रिलेशन की तरह क्या कह रहा हूँ, फंक्शन क्या. अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप समझते हैं. फंक्शन की पहली कंडीशन ये होती है, ये सेट ए है, इसको हमने क्या ले लिया, सेट बी. सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं रिलेशन में, तो हमें ए का आता हमने. सेट बी के जो भी एलिमेंट्स होते थे उनको हम क्या कहते थे, जो रिलेशन का पार्ट होता है वो हम क्या कहते थे. वैसे सारे के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते थे, कोड. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब फंक्शन में क्या होता था, फंक्शन में पहली कंडीशन ये होती है सेट ए इसके एलिमेंट को किससे बिलोंग करते हैं, एक्स, और सेट बी जिसके एलिमेंट को किससे बिलोंग करते हैं, वाई. सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए में उन सभी का रिलेशन होना चाहिए सेट. ये बात समझ में आ रही है. पहली कंडीशन क्या होती है, सेट ए में यहाँ पर कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, तीन, 1 2 3. इन सभी का रिलेशन, रिलेशन होने का मतलब सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए सेट में, सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए सेट में. पहली बात समझ में आ रही है. पहली कंडीशन क्या बता रहा हूँ कि सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होगा उसकी एक इमेज होनी चाहिए सेट में. जैसे ए ए एलिमेंट है, इसकी इमेज है ए फोर, क्या हो गया आपको, इससे कनेक्टेड है, रिलेशन दिखा रहा है, मैपिंग दिखा रही है. बी एलिमेंट की इमेज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज बी फोर पापा. सी एलिमेंट की भी आपको इमेज दिखाई दे रही है, सी फोर चेतन. पहली कंडीशन है, ठीक है. दूसरी कंडीशन ये होती है किसी भी एलिमेंट की, ध्यान से सुनना इस बात को, सेट ए में से किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ ए फोर अतुल और यहाँ पर लिखा हुआ ए फोर अनिल, कोई फंक्शन नहीं हो. कितनी कंडीशन बताई मैंने आपको, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी की इमेज होनी चाहिए, और वो इमेज कैसी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज. मींस उसकी जो सेट ए है, ये वाला जो सेट ए एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. अगर एक से ज्यादा इमेज होगी तो फिर ये फंक्शन नहीं है. पहले बता तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है. जैसे कि आपको मैथमेटिकली रिलेशन को डिफाइन किया था तो क्या कहा था, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का या उसके क्या होता है, इक्वल होता है. अब फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. देखो तीन बात तो समझ में आ रही होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा होता है, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही होता है. और देखो रिलेशन को हमने और ज्यादा कर्टेल कर दिया तो क्या बन गया, फंक्शन. तो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो सबसेट होता है रिलेशन का या उसके इक्वल. और फिर रिलेशन क्या होता है, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का या उसके क्या होता है, इक्वल होता है. ये समझ में आ रही है, ठीक है. फंक्शन होने के लिए मैंने आपको अभी जो कंडीशन बताई है, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई है, दैट फर्स्ट सेट ऑल एलिमेंट, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे शुड हैव सिंगल इमेज, सभी की एक इमेज होनी चाहिए, सभी की, ऑल एलिमेंट्स. दूसरी कंडीशन क्या बताई है, नन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट शुड हैव मोर देन वन इमेज. ये दो कंडीशन बताई है कि भैया किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. पहले बताओ इतना समझ में आ रही है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका फंक्शन है. देखो एफ एक्स जो होता है, जैसे फर्स्ट सेट के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एक्स. सेकंड सेट के एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, वाई. फंक्शन के टर्म में ये जो वाई होता है इसी को एफ एक्स कहा जाता है. ये जो वाई सेट होता है आपका, यही क्या होता है आपका, एफ एक्स. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या की बना है, एक्स स्क्वायर. और एफ एक्स को हम ऐसे क्या कहते हैं, वाई. तो बेसिकली वाई किसके इक्वल है, एक्स. तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो. देखो आप एक्स की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या होगी, -3 का स्क्वायर, दैट इज 9. तो क्या इस चीज से एग्री करते हो, ये जो एक्स एलिमेंट -3 है इसमें वाई एलिमेंट में किसके साथ इसका रिलेशन बन गया, 9 के साथ, एग्री करते हो. यहाँ देखो -2, अब एक्स की जगह -2 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. तो आप एग्री करते हो कि ये जो -2 है इसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है, बी सेट में 4 के साथ. इसके बाद देखो यहाँ आपने ले लिया -1, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 0. तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1. क्या आप इसी से एग्री करते हो कि ए सेट पे ये जो एक्स एलिमेंट -1 है
इसकी इमेज क्या है वाई सेट में, इसके साथ बन रहा है रिलेशन वन के साथ, समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखो जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, देन वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, देन टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, देन थ्री का स्क्वायर क्या होगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फंक्शन की, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबकी कोई ना कोई इमेज है क्या, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा जिसकी यहाँ पर एक से ज्यादा इमेज दिखाई दे रही है, नहीं इसकी दिख रही है, बताओ। थ्री की एक ही इमेज है नाइन, माइनस थ्री की भी एक ही इमेज है नाइन, एक्स में जो भी एलिमेंट है फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट है उसकी एक से ज्यादा इमेज नहीं होती, कोई है यहाँ पर ऐसा है? नहीं है ना, मैं बोलूँ ये फंक्शन है, तो फंक्शन की दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर, ये फंक्शन की दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर। पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, कि सभी एलिमेंट जो सेट ए के है फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज। दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, कि किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन है, मानते हो इस चीज को। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको देखिए बताओ क्या लगता है ये फंक्शन है या नहीं है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सभी की है। दूसरी कंडीशन क्या, किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है, नहीं, क्या मानते हो ये फंक्शन है, ये भी आप, ये भी आपका क्या है फंक्शन, क्लियर हो गया आपका सारा कंसेप्ट, ठीक है। अब इस पर बेस्ड आता है आपका एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। तो देखो अगर मैं यहाँ मैपिंग करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैपिंग करता हूँ, तो ये आपने ले लिया सेट ए, ये आपने ले लिया सेट, ठीक है, ये आपने ले लिया सेट ए और ये आपने क्या ले लिया सेट। तो देखो एक्स वाले एलिमेंट सेट ए के होंगे, तो क्या क्या है, टू, फाइव, एट, इलेवन, फोर्टीन और सेवन, और वाई वाले एलिमेंट सेट बी के, वन वन ही है यहाँ पे, सिर्फ वन। आप क्या है देखो, टू का रिलेशन किसके साथ है, वन के साथ, टू का रिलेशन वन के साथ है, फाइव का रिलेशन किसके साथ है, वन के साथ ही है, एट का भी वन के साथ है, इलेवन का भी वन के साथ है, फोर्टीन का भी वन के साथ है, सेवनटीन का भी वन के साथ है, मैंने इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, पहली कंडीशन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट की सर इमेज बन रही है, और किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज, ये समझ में आ रहा है आपको, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ जो लिखा हुआ है ये इसकी इमेज हो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दूँ टू के साथ फोर, अब ये फंक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज सर एक सेम एलिमेंट एक्स की एक से ज्यादा इमेज होगा, वन और फोर। भैया आप अपने आपको देखो ना, आपकी एक ही इमेज, रोज अपने आपको शीशे में देखते हो, ये तो नहीं कल सलमान खान दिखाई देगा, परसों शाहरुख खान दिख रहे, नहीं है ना सर, रोज आप भी अपने आपको ही देखो, यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन है ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ये फंक्शन है तो फटाफट आप इसका डोमेन भी बता दो, डोमेन कौन से एलिमेंट होते हैं एक्स वाले, टू, फाइव, एट, इलेवन, फोर्टीन, सेवन, डोमेन क्या होगा, टू, फाइव, एट, इलेवन, फोर्टीन और सेवन, इसी समझ में आ रही है, ठीक है। और सर क्या पूछा, रेंज, रेंज क्या होगा, जो वाई वाले एलिमेंट है, वाई वाले एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वाई वाले एलिमेंट क्या होंगे आपके, वन, बस देर हो गया अंदर, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला देखो, टू की इमेज क्या है, वन, मैं यहाँ पे सेट ए बनाता हूँ, यहाँ पे क्या बना देता हूँ सेट, तो ये क्या हो गया सेट, ये क्या हो गया सेट, ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये आपका सेट बी हो, ये सेट बी हो, ठीक है। अब देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व और फोर्टीन, और यहाँ पर क्या, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ टू की इमेज किसके साथ बन रही है, वन के साथ, फोर की के साथ, सिक्स की, थ्री के साथ, एट की, फोर के साथ, टेन की, फाइव के साथ, ट्वेल्व की, सिक्स के साथ और फोर्टीन की, सेवन के साथ, ये बात सब। हाँ जी ये फंक्शन है, क्यों है,
कि सभी एलिमेंट्स की एक तो इमेज है, जो भी एलिमेंट एक्स में है सभी की इमेज है, और सेट बी में जो भी एलिमेंट्स है देखो, और बेसिकली फंक्शन के लिए सेट ए पे फोकस होता है, सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए और किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होती, ये भी फंक्शन है। अब अगर मैं आपसे पूछू डोमेन क्या है, तो ये सारे एलिमेंट्स, मैं आपसे पूछू रेंज क्या है, तो ये सारे एलिमेंट्स, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अच्छा थर्ड वाले पर आ जाओ, 1315, 1315 और यहाँ पे लिखा आपने 1, यहाँ तो सिर्फ 1 ही है। सेकंड वाले में क्या है, 3 5, 3 और 5, 3 और 5, तो देखो हाँ 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी पॉसिबल है। फंक्शन क्या कहता है कि भैया एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, जो भी एक्स सेट का ए सेट का एलिमेंट, ये आपका फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ठीक है। देखो ये आपकी प्रेजेंटेशन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आपने कहा आपका रीजन क्या होगा, एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, जितने भी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट के हैव सिंगल इमेज, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, तो ये क्या है आपका फंक्शन है। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी आप यही कहोगे सेम यही रीजन, तो क्या रीजन होगा आपका, इस तरह से मैपिंग दिखा के कि एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैव सिंगल इमेज देयरफॉर इट इज आल्सो अ फंक्शन, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में आप क्या कहोगे, एज वन हैज टू इमेजेस, वन की दो इमेज है, 3 भी है और 5 भी, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पहले बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फाइव ये मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, मिसलिनियस के साथ होगा या मिसलिनियस के बाद जो असाइनमेंट होगी उसमें करवाए जाएंगे, कि स्पेशल क्वेश्चन है हम लास्ट में उठाएंगे, तब तक आप सारे कंसेप्ट समझ चुके होंगे, इतने क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, आप इन क्वेश्चन के लिए रेडी, तभी मैं इसको नहीं करवाऊंगा, तो अभी हम इस एक्सरसाइज में 3 और 4 ही करेंगे बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, आपको कहा जा रहा है फंक्शन, इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं, डोमेन रेंज कोडोमेन ऑफ रिलेशन तो आपने पढ़ा था, अब फंक्शन की हम बात करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसका जो रिलेशन है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ किस तरह से बन रहा है, लाइक ए फोर अनु, बी फोर बाबा, सी फोर चेतन। तो यहाँ पर जो देखो फंक्शन को जब हम मैथमेटिकली रीड करते हैं तो कैसे रीड करते हैं, ए, अब अगर ये सेट ए है ये सेट बी है तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, ए टू, अगर मैं इसका अपोजिट कर दू, ए टू बी का अपोजिट का मतलब मैं इसको कर दू बी टू ए, तो आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तब वो फंक्शन का क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर आप ए टू बी से इसको क्या कर दोगे, बी टू ए अगर मैं करता हूं तब वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बी टू ए करता हूँ तो ये आपका सेट बी है ना, तो मैंने सेट बी को लिखा, इसमें क्या क्या नाम है, अनु, बाबू, चेतन और राम, ये आपका सेट बी। अब बी टू ए की हम बात करें, ये हो गया सेट। अब ए में आ जाओ, ए में क्या है, ए बी सी। अब जरा चेक करो क्या फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, अनु का रिलेशन किसके साथ बनेगा, ए के साथ, बाबू का रिलेशन किसके साथ बनेगा, बी के साथ, चेतन का रिलेशन किसके साथ बनेगा, सी के साथ, क्या राहुल का रिलेशन बन रहा है किसी के साथ, तो अगर सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट जिसका रिलेशन नहीं बन रहा तो क्या ये फंक्शन है, तो क्या आप इसी से एग्री करते हो भैया, अगर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं ए टू बी तब तो वो फंक्शन है, लेकिन अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, इस अगर हम इसका रिवर्स करने का मतलब इसको बी टू ए कर देते हैं तो हो जाता है इनवर्स। अब जरूरी नहीं है कि जो आपने इनवर्स किया वो इनवर्स फंक्शन, ये बात समझ में आ रही है, फंक्शन का इनवर्स करने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसका इनवर्स ही है, फंक्शन का इनवर्स में दो चीजें आती है, एक होता है इनवर्स रिलेशन, एक होता है इनवर्स फंक्शन, ये सारी चीजें डिटेल में हम क्लास में भी पढ़ेंगे, मैं आपको बेस बता, इनवर्स फंक्शन कब होता, जब ये बी टू ए में भी क्या होता फंक्शन, क्या बी टू ए सेट में ये फंक्शन है, नहीं है, तो अब ये क्या होगा, ये इनवर्स रिलेशन है भैया, रिलेशन तो बन रहा है, रिलेशन तो बन रहा है कि सेट ए में जो भी ये वर्ड्स हैं ये सेट बी के जो अल्फाबेट्स हैं इनके फर्स्ट लेटर, रिलेशन तो बन रहा है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो इनवर्स फंक्शन कब होगा, जब एफ इनवर्स बी टू ए क्या होगा, एक फंक्शन होगा, तो आप कहोगे ये जो एफ इनवर्स है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है, लेकिन अगर एफ इनवर्स बी टू ए फंक्शन नहीं है तब आप क्या कहोगे, ये क्या है फिर, एफ इनवर्स का मतलब फिर यहां पर क्या है, इनवर्स रिलेशन, बात समझ में आ गई ठीक है।
कोई डाउट किसी को? नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं। अब इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्वेश्चन क्या है आपका? आपको एफएक्स की गिवन है, आपको किसकी वैल्यू की गिवन है? एफएक्स। आपको एफएक्स की वैल्यू की गिवन है, दैट इज 2x-1। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको कि एफ 0.2, तो 0 का मतलब एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 0। ये समझ में आ रही है? 0 का मतलब एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? -5 हो गया। कुछ इसी तरह से देखो, इसी तरह से देखो, आपको एफएक्स की गिवन है 2x-5, क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है? f7। तो एक्स की जगह क्या आ गया? 7। यानी कि सेट ए से जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है? 7 है। इसको पुट करके वाई की क्या वैल्यू है कि वो आपको फाइंड करना है, इसको बोलते हैं मीन। एक्स की जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 × 7-5। 7 × 2 जाए क्या होगा? 14-5। तो कितना आ जाएगा आपका? 9। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से देखो, आपको एफ एक्स गिवन है 2x-5, तो आपने फाइंड किया एफ ऑफ माइनस, क्या हो जाएगा? 2-3-, क्या हो जाएगा? -6-5, किसके इक्वल होगा? -11। किसके इक्वल होगा? -11। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? ठीक है, यही इस तरह से आपका क्वेश्चन होना था। तो एफ एक्स 2x-5 में तो एफ 0 क्या हो गया? -5। एफ एक्स 2x-5 में तो एफ 7 क्या हो गया? 9। और अगर एफ एक्स 2x-5 है तो एफ ओ -3 क्या हो गया आपका? -9। तो क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, शायद आपको 9th क्लास का कोई क्वेश्चन याद आ रहा होगा। इसमें आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की चैप्टर 4 तक की क्वेश्चन याद आ रहा है। ये टीसी जो है आपका फ़ारेनहाइट है, और आपको याद होगा यही वहां पर कंडीशन की होती थी कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में किसके इक्वल होता है? 9/5C+32। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C। सी क्या है? सेल्सियस प्लस 30। क्या कहा जा रहा था? फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय, ये आपको कंडीशन दी। इसी का मतलब क्या है? फ़ारेनहाइट। सर इसी का मतलब क्या है? फ़ारेनहाइट। अब आपको कहा जा रहा है T0.2। टी जीरो का मतलब जब आपका टेम्परेचर टी जीरो का मतलब देखो, टी जीरो अब टी सी है ना, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? 0। टी सी का मतलब मैंने क्या बताया? फ़ारेनहाइट। तो जब सेल्सियस टेम्परेचर 0 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होता है ये आपको बताना है। मैं बोलूँ उसको 9/5 × 0+32। इसका मतलब अगर सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। ये वाली बात समझ आ रही है आपको? तो देखो, आपको जो गिवन कंडीशन है वो ये है, इसी का मतलब समझ में आ गया फ़ारेनहाइट। जैसे भैया वाई इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स होता है। ऐसे आप फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या है? टी सी। ये जो आपका ए सेट है उसमें क्या है? टेम्परेचर इन सेल्सियस। बी सेट है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो इनपुट है वो तो यहाँ से जाएगा, इनपुट यहाँ से जाएगा यानी कि सी की वैल्यू। जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? जैसे आपने सी की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया 9 × 0/5+32। तो ये कितना हो जाएगा? 0+32 एंड इट इज इक्वल टू 32। ये कह रहा है, कह रहा है अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? T20 है। अब सी की जगह क्या इनपुट क्या जा रहा है हमारा? 28। इस 28 को पुट करने के बाद आउटपुट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। T28। T28 का मतलब क्या हो गया? कि जो आपका 9C/5+32 था, वहां पर सी को आप किससे रिप्लेस करोगे? सी को आप रिप्लेस करोगे 28 से। तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 28/5+32। 9 × 28 क्या हो जाएगा आपका? 252। अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 + में क्या हो जाएगा? 32। तो जब आप 252 से 5 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 50.4+32, एंड इट इज इक्वल टू 82.4। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? ठीक है,
इसी तरह से जब आप सी की जगह -10 पुट करोगे, क्या पुट करोगे? -10, क्या हो जाएगा? टी ऑफ -10, टी ऑफ -10, तो ये हो जाएगा 9 -10 बाय 5 +30, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 10 -18 + 32 = 4। ये क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देख, इसका फोर्थ पार्ट देख, फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है टी सी अगर 212, तो ये किसकी वैल्यू दे? ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे दी आप, ये तो आपका आउटपुट था ना। इसी का मतलब क्या था? फ़ारेनहाइट। तो वो कह रहा है अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 2.2 है, कैन आई से दैट, अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि भैया फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका 2.2 है और सी की सेल्सियस में बताओ टेम्परेचर कितना, क्या इस चीज से एग्री कर दो पूरे टीसी की जगह मैं 2.2 पुट करूंगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9C/5 + 32। इसको सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। समझ में आ गया? अगर टी सी की पूरी वैल्यू की बना है वो है फ़ारेनहाइट, अगर सिर्फ सी की वैल्यू की बना तो सेल्सियस की वैल्यू की बना, आपको आपको टेम्परेचर किस पे फाइंड करना है? फ़ारेनहाइट। ये क्लियर हो गया? पार्ट फॉर्म में देखो, पार्ट फॉर्म में देखो टी सी का मतलब क्या हो गया। अब टी सी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में टी सी की वैल्यू यही है ना, 9C/5 + 32, और ये किसके इक्वल है आपका? 2.2 के। किसके इक्वल है? 2.2 के। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले क्या होगा? +32 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -32। क्लियर हो गया? 2.2 में से 32 माइनस कर दो क्या आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ से सेल्सियस, सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 20। सेल्सियस में टेम्परेचर कितना आ गया? 100 डिग्री। सेल्सियस में टेम्परेचर कितना हो गया? 100। क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन की पहली कंडीशन बताओ क्या होती है? कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज होनी चाहिए, सभी की, और सभी की इमेज वो कैसे होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज। किसी भी सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये बताओ, जैसे एक फंक्शन है तो उसको कैसे नहीं, इसका जो रिलेशन फंक्शन का जो मैपिंग है मान लो वो ए टू बी है, तो अगर बी टू ए करूंगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। क्या जरूरी है कि इनवर्स फंक्शन हो? अगर वो इनवर्स फंक्शन नहीं हुआ तो फिर वो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। यानी एक फंक्शन का इनवर्स, जो इनवर्स रिलेशन तो होगा, इनवर्स फंक्शन तब भी होगा जब वो पी टू ए में भी फंक्शन की कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तो सारी चीज समझ में आ गई, ठीक है?